Hello students, today we are going to study about the types of computer. हम लोग computer के बारे में काफ़ी कुछ basic पढ़ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें इसके बारे में पढ़ चुके हैं. अब हमें ये पता करना है कि computer होते कितने type के हैं. तो computer का जो classification किया गया है वो तीन types में किया गया है. That is कार्य प्रणाली के आधार पर, मतलब इसके टाइप्स के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, इसके पर्पस के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, और इसके साइज़ के आधार पर भी इसका क्लासिफिकेशन हुआ है. मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर का टाइप कितने हैं, कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, तो आप ये बोलोगे कि कंप्यूटर को थ्री टाइप्स के कंप्यूटर में डिवाइड किया गया है. दैट इज़ अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, मतलब इसके टाइप के अकॉर्डिंग, इसके पर्पस के अकॉर्डिंग और इसके साइज़ के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब हर एक के अंदर अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर आते हैं, तो लेट्स स्टडी अबाउट इट. ठीक, तो लेट्स गो विद द टाइप. अब हम जानना चाहते हैं कि कार्यप्रणाली के आधार पर कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं या कितने टाइप के कंप्यूटर्स डिवाइड किए गए हैं. तो इसके टाइप के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर्स हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर. एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. ठीक है, जो हमारा सेकंड है इसके पर्पस के आधार पर, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं और एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं. ठीक, जैसे कि इनके नाम बता रहे हैं, किसी जनरल पर्पस के लिए मतलब जनरल काम के लिए करना होता है तो जनरल पर्पस, किसी स्पेशल काम के लिए बनाए तो स्पेशल पर्पस. मैं इसको आगे एक्सप्लेन भी करूँगी. ठीक है, इनके साइज़ के आधार पर कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, फोर टाइप्स के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर. ये सब क्या होते हैं हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट आज हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बिकॉज ऑफ इट्स टाइप. इसके टाइप के अकॉर्डिंग जो भी क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर का, जो कि ये है एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे. Okay, then what is a